हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो है घर पे अच्छे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन थर्ड, जिसका नाम लता मंगेशकर द मिलेडी क्वीन। लता मंगेशकर को जो है हम स्वर सामग्री भी कहते हैं। स्वर सामग्री, वैसे स्वर जिनका स्वर क्या वो बहुत ही कोमल होता है, उसे जो है हम लोग स्वर सामग्री भी कहते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्ब पानी। ये जो है गीत जो है ये जो है लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। देखिए, जब इस गीत को जो है नेहरू जी ने सुने तो वे जो है बच्चे की तरह जो है वे रोने लगे। उनके आंखों से जो है आंसू लगातार बहते चले गए। इट वॉज सून आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इन 1962। ये चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की बात है। ये चीनी आक्रमण जब हुआ 1962 में हुआ, उसके बाद की ये बात है। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज द हीरोइक डेड ऑफ आवर सोल्जर्स हु सेक्रीफाइज दियर lives for country. Since then, this song has become epitome of the patriotic song. लता के गीत ने जो है हमारे सैनिकों के जो है बहादुर के काम को किया, वो अमर कर दिया। जो जो भी जो है उस समय जो है हमारे देश के लिए रक्षा करने के लिए गया, वो अपने प्राणों की आहुति दे दी उनके लिए जो है वो अमर कर दिया। ये गाना जो है ये अमर कर दिया है। जिन्होंने जो है अपने देश के लिए जीवन त्याग किया था, तब से यह देशभक्ति के गीतों का ये प्रतीक बन गया। लता मंगेशकर इज सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों। लता मंगेशकर की जो गायिका है, लता मंगेशकर एक गायिका है जिन्होंने जो है ए मेरे वतन के लोगों को क्या हुआ लिखा हुआ था निक स्व सामग्री। इनका जो निक नेम था, उपनाम भी जो था, उसे क्या हुआ स्व सामग्री था मेलोडी किंग, जिसका अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। इन्हें जो है हम लोग स्वर कोकिला भी कहते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन महाराष्ट्र फैमिली रेस्टेंशन इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर में रहने वाले महाराष्ट्रीय परिवार के 28 सितंबर 1929 को जो है जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1929 को क्या इनका जन्म हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ नोटिस क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जो थे स्वयं ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार भी थे। हर मदर नेम वाज सुधामती। उनकी माता का नाम जो था वह सुधामती था। द फैमिली लास्ट नेम यूज टू बी हदकर, बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विद हिज नेटिव टाउन। देखिए, उनका जो है परिवार का पिछला नाम जो था हदकर था, किंतु दीनानाथ ने जो है गोवा में अपने मूल शहर मंगेशी की पहचान के ख्याल से जो है उन्होंने जो है इसे मंगेशकर में बदल दिया। लता वाई नेम हेदिया हर बर्थ। लता का नाम जो है जन्म के समय जो था वह हेदिया था। हर पेरेंट्स लेटर ही नेम्ड हर। अब देखिए, उनके पिताजी ने ये उनका जो है फिर से उनका नामांकन किया लता आफ्टर फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ द फादर पे। उन्होंने जो है एक अपने पिता का जो है एक नाटक में जो है लतिका का रोल लिया था। इसके बाद से जो इनका नाम कौन सा हुआ जी, लता हुआ। द फेमस सिंगर ऑफ आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो है उनकी छोटी बहनें थी। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज नॉन वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। अब उनके जो है छोटा भाई हृदयनाथ जो था एक प्रसिद्ध जो है
संगीत का निर्देशक था। मीना इज यंगेस्ट सिस्टर और मीना जो उनकी सबसे छोटी बहन थी। लता मंगेशकर हैज ओन सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड। इन एडिशनल टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। अब देखिए, इन 1969 सी मेड और अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अ फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फिश टैलेंट। सी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। लता मंगेशकर ने जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड के अतिरिक्त 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, बंगाल 12 जो है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड से उन्होंने और प्रतिष्ठा भी जीती है। उनको जो है बहुत सारे जो है अवार्ड भी मिले हुए हैं, जिसमें से हमने आपको बताया भी था कि इनमें जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इसके अतिरिक्त इनको जो है बहुत सारे जो है पुरस्कार भी मिले हुए हैं। 1969 में उन्होंने जो है एक नए प्रतिभा उत्साहित करने के ख्याल से जो है फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्यागने का असमान सफलता भी दिखाई। और देखिए, उन्होंने जो है 1969 में उन्होंने जो है नई प्रतिभा को उत्साहित करने के लिए, यानी क्या हुआ, नई प्रतिभा जो है उत्पन्न हो, इसी के लिए जो है उन्होंने जो है नई प्रतिभा को जो है उत्साहित करने के लिए उन्होंने ख्याल से फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल, इसलिए क्या हुआ, प्रतिभा में जो है और लोगों में ये प्रतिभा फैले, इसीलिए जो है उन्होंने जो है फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्यागने में असमान सफलता भी दिखाई। बाद में 1993 में वो उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी पुरस्कृत हुई। सी हैज ऑल्सो ओन हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। अब देखिए, उनको जो है उन्होंने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी उनको भी जीते हुए हैं। भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी जो है उनको 2001 में मिला हुआ है। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, सी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। और वे हमारे युवा पनपते गायकों के लिए जो है पद प्रदर्शक के रूप में भी खड़ी है। उन्होंने जो है अपने गीत के माध्यम से जो है बहुत लोगों को शिक्षित भी किया और बहुत लोगों को जो है अपना प्रतिभा दिखाने के लिए भी उत्साहित किया कि आप लोग भी आए और अपनी प्रतिभा जो है उजागर करें। तो हमने जो है आज हमने जो है इसके बारे में बताया कि लता मंगेशकर जो है वो हमारे देश की क्या है जी, एक शान थी, जिन्होंने जो है जब चाइना आक्रमण हुआ तो उस समय जो है उन्होंने जो है मेरे वतन के लोगों जो है देशभक्ति गीत भी बनाई, जिससे हमारे देश के सैनिक जिन्होंने प्राणों की निछावर दी है वे जो है बहुत ही जो है अपने आप को जो है अमर प्रदान किए कि चलिए हमने देश के लिए कुछ किया और कुछ हमारे लिए भी कुछ गीत गाया जा रहा है। और लता मंगेशकर की उत्तम श्री की मधुर आवाज़ के कारण उन्हें जो है स्वर सामग्री भी कहा जाता है। उनकी माँ जो थी वह सुनमती थी। अप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो थी उनकी छोटी बहन थी और उनकी सबसे छोटी बहन का नाम था मीना। उनके छोटे भाई हृदय नाथ एक चलचित्र संगीत निर्देशक हैं। लता को कई सम्मान और पुरस्कार भी दिया गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत को तो लता जी ने अपने सदाबहार स्वर की इतनी टैलेंटा से गाया कि उस गीत के सुन के पंडित नेहरू जी जो है बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे। उनका यह गीत हमारे अमर सेनानियों की वीरता और बलिदान को अमरता प्रदान करने वाला गीत बन गया। तब से लता जी का गाया हुआ यह गीत देशभक्ति गीतों में एक शानदार प्रतीक भी बन गया। अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को
इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।